कुहू नगर परिषद के बैठक में पानी, बिजली, शिक्षा व अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। जिले के नगर परिषद बकहू में साधारण सभा की बैठक नगर परिषद उपाध्यक्ष वैभव विक्रम सिंह के अध्यक्षता में समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी व अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वैभव विक्रम सिंह द्वारा बताया गया कि नगर परिषद द्वारा शुद्ध पेयजल सेवा शहर में उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसका लाभ सभी को मिलेगा, जिससे दूषित पानी पीने से निजात मिल सके और लोगों की सेहत पर खराब असर ना पड़े। नगर पालिका के उपाध्यक्ष वैभव विक्रम सिंह ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में मोदी सरकार ने हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिहाज से प्रदेश के सभी शहरों में इस योजना को शुरू किया है, जिसमें बकहू नगर परिषद भी शामिल है। सर, नगर परिषद बकहू में विगत कई माह या वर्षों से टैंक बंद था, उसका पुनः आपने चालू करवाकर क्षेत्र में नई उपलब्धियां दी, पानी का संचालन चालू हो गया, उसके बारे में बताएं सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ये बता दें कि हमने चालू नहीं कराया है, हमारी टीम हमारे साथ थी इसलिए चालू हुआ है। अध्यक्ष हमारी, हम स्वयं, हमारी PIC, हमारी परिषद, हमारी CMO मैडम, हमारा जल का शाखा, वो सब साथ थे। आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि SECL द्वारा CSR फंड से लगभग 2015-16 में एक वाटर टैंक निर्मित किया गया था, जो कि लगभग 135,000 लीटर का क्वांटिटी का था। वो टैंक तो बना दिया था SECL ने, लेकिन उसकी ना कोई देखरेख की गई हैंडओवर करने के पहले, ना उसमें ठीक सही तरीके से कार्य किया गया। लेकिन जब हम लोग, परिषद हमारी अस्तित्व में आई, परिषद हमारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष PIC का गठन हुआ, तो हम लोग तब से पहला हमारा ये था कि पानी की समस्या को दूर किया जाए। तो वाटर टैंक को हम लोग, उसमें कुछ पाइपलाइन थी वो नहीं थी, कुछ लगी थी वो चोरी हो गए, तो उसको लगाया गया, वॉल्व लगाया गया। हमारी PIC के द्वारा कई उसमें प्रस्ताव थे, उसको पारित किया गया, उसमें काम किया गया। तो अब जाके लगभग 7 वर्ष बाद ये 4 नंबर वार्ड में जो पानी का टैंक था उसको चालू करा दिया गया है। 4 हैंड पोस्ट, जो कि स्टैंड पोस्ट होते हैं अलग अलग मोहल्लों में पानी भरने के लिए, सुबह 6 बजे से चालू किया जाता है, 8-8:30 बजे तक उसको चालू रखते हैं। चूँकि पानी की समस्या है, तो अब ये टैंक चालू होने से समस्या लगभग बहुत कम हो जाएगी। और उसको देखते हुए एक चीज़ ये भी है कि DG का भी हम उसको टेंडर कॉल कर रहे हैं, उसका एस्टिमेट बन रहा है। तो लाइट भी गोल होती है, तो लाइट जाने के बाद सप्लाई पूरी प्रभावित हो जाती है, तो सप्लाई को हम बाइफरकेट कर रहे हैं। सप्लाई जो 4 नंबर वार्ड की जो वाटर टंकी है, उसको लगभग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वार्ड तक हम उसी 135,000 लीटर क्वांटिटी के वाटर टैंक से सप्लाई करेंगे। और जो पंप हाउस से सप्लाई होता है, उसका हमारा ये प्रयास रहेगा कि वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 12, 13, 14, उससे वहाँ सप्लाई दिया जाए। उससे क्या होगा, जो पानी 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे सप्लाई होती है पंप हाउस से, वो काम बढ़ जाएगा, 2 जगह लोड बाइफरगेट हो जाएगा, उससे पानी लगभग घंटों एक वार्ड में या एक मोहल्लों में सप्लाई दिया जा सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने 5,000 लीटर का एक और 3,000 लीटर के 2 वाटर टैंकर भी हम कॉल कर रहे हैं, उसका टेंडर, उसको भी हम क्रय कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं आया टैंकर, क्यों नहीं आया इंजन, क्यों नहीं आया इंजन, भी हम